दोस्तों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बहुत डिटेल से, बहुत एक्सप्लेन करके, एलाबरेट करके बताया. हमने बताया कि एक पार्ट ऑफ स्पीच कैसे कैसे काम कर सकता है, यानी एक वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच कैसे बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको फास्ट का एग्जाम्पल देकर बताया था. हमने एक अपनी वीडियो में सक्सेस का एग्जाम्पल देकर बताया था. जैसे सक्सेस एक नाउन होता है, सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव होता है, सक्सीड एक वर्ब होता है. तो आपको ये आना चाहिए कि कौन सा वर्ड या पार्ट ऑफ स्पीच किस सेंटेंस में लगेगा. तो अब है जरा आपके टेस्ट का समय. तो आपको हम क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंसेस यहां पर देंगे और इसमें से, इसी के थ्रू हम आपको समझाएंगे भी, और आपसे ये भी उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोशिश कीजिए, अब पार्ट ऑफ स्पीच की गलती निकालिए. तो चलिए, इतना काम तो मैंने आपका आसान कर दिया कि मैंने आपको बता दिया कि जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो पार्ट ऑफ स्पीच की है. ओके, सो हियर वी गो. सो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. तो पहला सेंटेंस है, द फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इज क्लियर इंडिकेट दैट आवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड. तो आपको ध्यान से इस सेंटेंस में देखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या काम कर रहा है और क्या वो सही जगह लगा है कि नहीं. अगर आप इन सेंटेंसेस को भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. देयर एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसको एक नाउन चाहिए. देयर बिल्कुल सही है, पोजेशन बता रहा है, फेलियर इज अ नाउन. टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है. क्या है? प्रीपोजिशन है. लेकिन इंस्पेक्ट आ रहा है तो क्या काम करेगा? इन्फिनेटिव. मैंने आपको बताया था टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है. टू इंस्पेक्ट. आर अगेन पोजेसिव आया, पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है. फैक्ट्रीज. अब सवाल यह पैदा होता है, फैक्ट्रीज के बाद इज आएगा या आर आएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन जो आपको पूछना है. तो दोस्तों याद रखिए, जरूरी नहीं है कि वर्ब से पहले जो नाउन आए वर्ब उसी के हिसाब से लगेगा. वर्ब हमेशा गवर्न होता है सब्जेक्ट से. तो आपको एक सेंटेंस में ढूंढना आना चाहिए कि सब्जेक्ट कहां है. तो देयर फेलियर में फेलियर ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो आगे बात कर रहा है. सो देयर कभी पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं होते. सब्जेक्ट होते हैं नाउन, और यहां दो ही नाउन है, या तो फेलियर है और उसके आगे फैक्ट्रीज. और वो बात किसकी कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? जो करता है, यानी फेलियर. सो देयर फेलियर टू इंस्पेक्ट आर फैक्ट्रीज इज क्या है? वर्ब. तो वर्ब कौन सा है? ये लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अपनी एक वीडियो में, इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी की फॉर्म कहलाती हैं. यदि इनके आगे आई एन जी आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब, और यदि इनके आगे आई एन जी नहीं आता तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं. और लिंकिंग वर्ब का फिर फॉर्मूला बताया था, उनके आगे या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा. तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसके बाद क्लियर एडजेक्टिव आ तो रहा है, बात सही है, लेकिन उसके आगे क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, इंडिकेट. जैसे आपने शुरू में क्या देखा था? इंस्पेक्ट. ऐसे ही है वर्ड इंडिकेट, और ये भी वर्ब है. जबकि यहां क्या आना चाहिए? इज अ क्लियर इंडिकेशन. क्यों इंडिकेशन? क्योंकि लिंकिंग वर्ब आया, मुझे नाउन चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए. एडजेक्टिव मेरा आ गया तो ये पक्की बात है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा. सो इंडिकेट इज द रॉन्ग वर्ड. सो व्हाट विल इट बी? कि द फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड. बाय द वे, आपको गलती तो मिल गई, जरा बताइए दैट क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन. तो अगर कंजंक्शन है तो आगे क्या मिलेगा? वर्ब. तो वर्ब कहां है? बी. रिवार्डेड नहीं, बी. और विल क्या है? मॉडल. तो आर क्या है? पोजेसिव. क्या? एडजेक्टिव. प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आगे नाउन है. तो यदि आर है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, लाइसेंस है, नाउन है, विल मॉडल, नॉट एडवर्ब, बी वर्ब, तो रिन्यूड क्या है? एडजेक्टिव. तो ये कैसा एडजेक्टिव है? इसको बोलते हैं दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल, और बी के बाद आपको अक्सर मिलेगा. So our sentence is now correct. बस आपने indicate की जगह क्या करना है? Indication. Hopefully आपको यहां तक समझ में आया होगा. तो चलिए दूसरे sentence की तरफ देखते हैं. अब आप कोशिश कीजिए खुद निकालने की. Some genuine issues
exist with the new adopted system which need to be examined. तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है. तो पहले तो वो कह रहा है सम जेन्युइन इश्यूज, तो आप उसमें नाउन देखिए क्या है, ना सम नाउन है ना जेन्युइन नाउन है, इश्यूज नाउन है. उससे पहले वाले दोनों एडजेक्टिव्स हैं. तो सम, तो कभी कभी आपको दो एडजेक्टिव साथ साथ आ सकते हैं, सम भी एडजेक्टिव जेन्युइन भी एडजेक्टिव. तो उसके बाद इश्यूज क्या है, नाउन, और ये नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ये बताइए सब्जेक्ट है तो क्या करेगा, ये वर्ब को गवर्न करेगा. सो अगर ये वर्ब को गवर्न करेगा तो इसके आगे वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, क्योंकि इश्यूज क्या है, प्लूरल, एस लगा. विद द, विद क्या है, प्रीपोजिशन, द क्या है, आर्टिकल है, रूल बताइए, नाउन चाहिए. प्रीपोजिशन और आर्टिकल को क्या चाहिए, नाउन. तो जरा नाउन ढूंढिए कहां है, विद द न्यू नाउन है, एडॉप्टेड नाउन है या सिस्टम नाउन है. तो जब आपके पास आर्टिकल आए तो याद रखिएगा उसके आगे अगर आपको तीन वर्ड्स आएंगे तो तीन वर्ड्स ऐसे आएंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन. यदि आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स आएंगे तो ऐसे आएंगे, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन. यदि आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड आया इस तरह का तो वो सिर्फ नाउन होगा. हमारे पास यहां तीन वर्ड हैं तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन. तो आपके पास सिस्टम नाउन सही है, एडॉप्टेड पार्टिसिपल एडजेक्टिव सही है, लेकिन न्यू गलत है. यहां आना चाहिए न्यूली एडवर्ब, क्योंकि न्यू एक एडजेक्टिव होता है, और जबकि ये न्यूली किसको बता रहा है, एडॉप्टेड को. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम, आएगा न्यू एडॉप्टेड सिस्टम विच नीड टू बी एग्जामिन. नहीं, एक और इसमें हो सकता है कि हमें विच नीड की जगह करना चाहिए विच नीड्स टू बी एग्जामिन्ड. नाउ नीड्स आएगा या नीड आएगा, यहां क्योंकि हम इश्यूज की ही बात कर रहे हैं तो यहां पर नीड ही रहेगा. तो एरर वहां नहीं है, एरर उसी में ही है, न्यूली में. तो न्यू का क्या होगा, न्यूली. ये पार्ट ऑफ स्पीच की एरर है. तो देखिए आपको समझ में आएगा अगर आप एक एक करके ऐसे देखेंगे. जब आपके पास एग्जाम आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं होता, तो आप इसको सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाइए कि मुझे फौरन देखते ही पता चले. तो अगर मुझे देखना है तो मैं ऐसे देख के नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है. सो आई रीड द पैराग्राफ एंड से ओके, विद अ न्यू अडॉप्टेड सिस्टम इज रॉन्ग, इट शुड बी न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, एंड दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस. डिड यू गेट द पॉइंट, दैट्स गुड. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन, वी आर कॉन्फिडेंट दैट स्टेप्स, आगे क्या कह रहा है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट द स्टेप्स वी हैव टेकन विल अट्रैक्ट talented people and ensure that we remain profitably. मुझे यहीं से error पता चल गई. तो आप बताइए error क्या है. We are confident, बिल्कुल सही है. We, subject, are, linking verb, adjective आएगा, आ गया, that, conjunction, आगे verb आना चाहिए, clause है. तो steps क्या हो गया उसका, subject, we, that steps we have taken, जो हमने लिए हैं, will मॉडल है, अट्रैक्ट वर्ब है, टैलेंटेड पीपल बिल्कुल सही है, पीपल नाउन है, टैलेंटेड एडजेक्टिव है, एंड एंश्योर, अब एक और वर्ब आ गया, एंड आ गया कंजक्शन, दैट वी रिमेन. याद रखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में एक्शन वर्ब होते हैं लेकिन काम करते हैं लिंकिंग वर्ब का, रिमेन, बिकम, और सारे के सारे जो हमारे सेंसेस वाले वर्ड्स हैं ये बहुत काम करते हैं लिंकिंग वर्ब का, कई जगह आपको मिलेंगे. और दोस्तों लिंकिंग वर्ब के बाद कभी एडवर्ब खाली नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा. लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा. तो बी के बाद आपको कभी एडवर्ब खाली नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो एडजेक्टिव से पहले मिलेगा. तो प्रॉफिटेबली यहां पर नहीं आएगा क्योंकि रिमेन एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब्स नहीं आते, लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आते हैं. तो प्रॉफिटेबली के बाद की जगह क्या आएगा, प्रॉफिटेबल. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द एरर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इट हैड ऑल बिगन इन ब्राइटली लिट रूम एज आई ड्रीमली रैन माई फिंगर्स ओवर द सरफेस ऑफ अ ग्लोब. तो मुझे एरर देखने से ही पता चल गई क्या है. तो अगर आप शुरू से देखें तो इट हैड ऑल बिगन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑल उसके बीच में आ रहा है, एडवर्ब का काम करेगा, इन प्रेपोजिशन, आर्टिकल.
तो पक्की बात है आर्टिकल आया तो नाउन आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव लेट, उससे पहले ब्राइटली एडवर्ब, और ऐसे ही कर रहे हम एज आई। अब ये दूसरा शुरू हो गया, आई ड्रीमली रैन माई फिंगर्स, यहां तक बिल्कुल सही है। यहां पर ड्रीमली एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, माई पोजेसिव है, फिंगर्स नाउन है, ओवर द सरफेस्ड नहीं आएगा। आर्टिकल आया तो आर्टिकल की एरर क्या होती है, आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए, नाउन, और यहां नाउन नहीं है क्योंकि उसके बाद तो ऑफ आ गया, आगे का नाउन तो ऑफ का है, तो ग्लोब किसका नाउन है, ऑफ का, तो सरफेस्ड की जगह क्या आएगा, सरफेस। सरफेस्ड मजे की बात है कि सरफेस एक वर्ब का काम भी करता है, तब हम उसका ईडी लगा के बनाते हैं, जैसे ही रिसर्फेस्ड आफ्टर अ शॉर्ट हाइटस, थोड़े ही समय के ब्रेक के बाद वो लोगों के सामने दोबारा आया, तब हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्फेस का। अदरवाइज यहां पर सरफेस नाउन की तरह जैसे काम करता है वैसे काम करेगा। तो दोस्तों सरफेस की जगह क्या आएगा, सरफेस। अब चलते हैं हम अपने अलग दूसरी एरर की तरफ, तो इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, सेंटेंस कहता है द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर्स किसके साथ क्लियरली इंडिकेट्स क्या, द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। तो मुझे एकदम से समझ में आ गया, मैंने आपको शुरू में एक वीडियो में 5 सूत्र बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पर पक्का नाउन आएगा, और उनमें से एक सूत्र था एपोस्ट्रोफी एस का, इसको बोलते हैं हम रूल या फंडा या की, क्या, नाउंस नाउन। यदि आपको कभी एपोस्ट्रोफी एस मिले और उसके बाद एडजेक्टिव दिया है, और कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव है, ईएनटी, तो यदि ईएनटी आ रहा है तो वही गलत है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एपोस्ट्रोफी एस मिला, उसके बाद क्या मिल रहा है, कॉन्फिडेंट, उसकी जगह क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। तो बता दूं मैं दोस्तों कि ई एन सी वाले सारे वर्ड्स नाउन होते हैं, ई एन टी वाले सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, यहां एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, नाउंस नाउन, तो कॉन्फिडेंट की जगह बस आपने क्या लगाना है, कॉन्फिडेंस। तो अब आप देखेंगे कि आपका काम आसान होता जा रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। एंड दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग, नॉलेज समझने से नहीं आती, करने से आती है। सो द नॉलेज इज नॉट इन अंडरस्टैंडिंग, इट इज इन डूइंग। तो आप वीडियो देखिए और उसको करके देखिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेनिंग, बस यही समझ में आ गया। इन स्पाइट का रूल याद रखिए, आपको मैं 4 वर्ड्स बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा, इसकी एरर बहुत आती है। इन स्पाइट के बाद ऑफ आएगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, रिगार्डलेस के बाद ऑफ आएगा, नॉट विद स्टैंडिंग के बाद ऑफ नहीं आएगा। तो 4 फंडा याद रखिए, चारों आते हैं। इंस्पाइट और रिगार्डलेस के बाद ऑफ आता है, डेस्पाइट और नॉट विद स्टैंडिंग के बाद ऑफ नहीं आता। तो बताइए यहां पर एरर है कि नहीं, इंस्पाइट ऑफ दिया है, नहीं, तो इंस्पाइट ऑफ द हैवी रेनिंग नहीं होता। मैं क्यों बनाऊंगा जीरंड अगर मेरे पास है नाउन, तो हैवी क्या है, एडजेक्टिव, तो आगे क्या आना चाहिए, नाउन, और रेन वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, तो मैं रेनिंग क्यों लगाऊंगा, मैं तो रेन लगाऊंगा। सो मैं क्या बोलूंगा, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। सो व्हाट इज द एरर, रेनिंग की जगह रेन आएगा। इट्स सो इजी, आप इसको ध्यान से देखिए और बार बार देखिए और करिए कि वाओ आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड गेन दैट कॉन्फिडेंस। अब जरा अगला देखते हैं। वाओ, मदर एंड आई जनरली गो टू द फूड स्टोर एंड व्हाट डू यू डू एंड पिक फूड आइटम्स, किसके लिए, फॉर द चैरिटेबल। नाउ बहुत बेसिक एरर है, 4 प्रीपोजिशन, द आर्टिकल क्या चाहिए, नाउन, ए बी एल ई वाले सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव, चैरिटेबल की जगह चैरिटी आएगा, फिनिश। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द पार्ट ऑफ स्पीच। आप एग्जाम में एक एक करके नहीं देखेंगे, आप पढ़िए और पता लगाइए एंड देन यू विल डू इट। इसको इंग्लिश में कहते हैं केक वॉक, इट्स ए केक वॉक। If you do what they have done with Burj Khalifa, foundation very strong, drill कीजिए अपने आप को, अंदर जाइए, knowledge देखिए, और यही होता है जब आप गोता खाते हैं समुद्र में तभी आपको तो हीरे मिलते हैं। And this is what we are going to do. So we are going to apply this knowledge as well. Okay? Hope you liked it. Do it again. We are going to discuss something different. You know, as you see the pattern of especially your banking exam now is changing.
अब उस पे वो जो एरर पहले आती थी, कि तो पहले एरर क्या आती थी कि आपको एक सेंटेंस में एक चीज़ गलत दी होती थी और आपको उसको ठीक करना होता था या एरर निकालना था. बट नाउ एज द स्टूडेंट्स आर बिकमिंग स्मार्ट, दीज पीपल हु टेक योर एग्जाम्स दे आर बिकमिंग स्मार्टर. स्मार्ट इज व्हाट? एडजेक्टिव. स्मार्टर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. या सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू वे दैट दीज स्मार्ट पीपल आर गिविंग अस टू सॉल्व. सो डोंट यू वरी, ये उसका बेसिक वही रहेगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम आपको यहाँ पर कुछ करने वाले हैं. हम आपको यहाँ चार सेंटेंस दिखाएंगे और पांच ऑप्शन है उसके. आपने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन पांचों में से सही है और आपने उस पर टिक लगाना है. यानी आपको एक मार्क लेने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. पहले एक ही सेंटेंस में मिल जाता था, अब पाँच चेक करने पड़ेंगे तो एक मिलेगा. लेकिन ये आसान है अगर आपके फंडा क्लियर हैं तो. तो हम जरा जल्दी से देंगे पांच सेंटेंस और बताइए कौन सा सही है. या सो जरा पहला सेंटेंस पढ़िए जल्दी से. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशंस वी हैड नोटिस्ड दैट दोज टू एम्प्लॉयज वर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड. साफ पता चल रहा है इन अ स्टेट. यहां तक तो सही है. इन प्रेपोजिशन, ए आर्टिकल, स्टेट नाउन. आगे क्या आया? ऑफ. और ऑफ क्या होता है? प्रेपोजिशन. बेसिक फंडा याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा. प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन. तो क्या आना चाहिए आगे? नाउन. तो कंफ्यूज्ड नाउन हो ही नहीं सकता. तो ईडी वाले वर्ड्स याद रखिए आज के बाद, या तो होंगे वर्ब सेकेंड या थर्ड फॉर्म, और यह होंगे एडजेक्टिव्स. तो यहां पर कंफ्यूज जो उसने बताने की कोशिश की है उसका एडजेक्टिव बना रहा है, जबकि एडजेक्टिव बन ही नहीं सकता. बन सकता था यदि इसके बाद नाउन होता, क्योंकि ऑफ को क्या चाहिए? नाउन. और अगर ऑफ को नाउन चाहिए तो मुझे कंफ्यूज्ड गलत है. कंफ्यूज्ड की जगह होना चाहिए था कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन इज द राइट आंसर. लेकिन अभी आपको एक मार्क नहीं मिला है, आपको सारे चेक करने पड़ेंगे. जरा जल्दी से दूसरे पे नजर डालते हैं. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशंस वी हैड नोटिस दैट दोज टू एम्प्लॉयज सेम वर इन अ कंफ्यूजन स्टेट. अरे वाह, अब तो सही कर दिया. इन क्या है? प्रीपोजिशन. ए क्या है? आर्टिकल. कंफ्यूजन क्या है? नाउन. तो स्टेट क्या है? वो भी तो नाउन है. यहां थोड़ा गड़बड़ हो गई. स्टेट नाउन है तो जो चीज स्टेट की विशेषता बताएगी वो होना चाहिए एडजेक्टिव. तो कंफ्यूजन तो नाउन है, हमें चाहिए क्या? एडजेक्टिव. अब जो उसने ऊपर लगाया था वो यहां आना चाहिए था, और जो नंबर दो में लगाया वो नंबर एक में लगाना चाहिए था. तो ऊपर होना चाहिए था इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और नीचे होना चाहिए था इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट, जो कि नहीं है. दोनों गलत. तीसरे की तरफ आते हैं. He was confused. अभी क्योंकि इसने ऊपर कंफ्यूज की बात कर रहा है तो जरूर यही है. तो ये तो सही लग रहा है मुझे लगता है. क्या कहना है आपका? He was confused सही है? बिल्कुल नहीं. मैंने आपको बताया है कि 90% बी वर्ब. पहले बताइए बी वर्ब क्या होता है? इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन. ये काम क्या करता है? ज्यादातर स्टेट बताता है. तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच स्टेट बताता है, अवस्था बताता है? एडजेक्टिव. तो यही कारण है कि बी के बाद आमतौर पर आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे. तो उसने यहां पर क्या लगाया है? ही वॉज कंफ्यूज. जबकि कंफ्यूज एक वर्ब है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ए डोंट गेट कंफ्यूज. कंफ्यूज नहीं, यू आर कंफ्यूजिंग मी, यहां पर वर्ब है. तो जब मैं कहता हूं डोंट गेट कंफ्यूज्ड तो गेट को भी पार्टिसिपल चाहिए. और जब मैं यहां कह रहा हूं ही वॉज कंफ्यूज नहीं, ही वॉज कंफ्यूज्ड, स्टेट बताएगा. ये सेंटेंस भी गलत है. अब चौथा सेंटेंस देखते हैं. तो ये तो ठीक होना चाहिए. कंफ्यूज इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड. तो आप ये बताइए कि यहां कंफ्यूज सही है या नहीं. अगर आपके पास कहीं पर भी दूसरे नंबर का वर्ड वर्ब है तो बताइए पहले नंबर का वर्ड क्या होगा. 101% सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन
या प्रोनाउन, बेसिक फंडा याद रखिए। तो अगर ये सब्जेक्ट है और अगर लगाने की जरूरत ही नहीं, ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है तो ये क्या होना चाहिए, नाउन, जबकि ये क्या लगा है, वर्ब, सेंटेंस, ये भी गलत है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। सो व्हाट इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि एक बार फिर आप इस बात पर जोर डालें कि अगर मेरे बेसिक्स ठीक हैं तो मुझे ये पैटर्न या वो पैटर्न उससे कोई लेना देना नहीं है। यू नो व्हाई डू दे ब्रेक द पैटर्न्स, ये पैटर्न्स क्यों तोड़ते हैं बोर्ड्स वाले, वो इसलिए क्योंकि उनको लगने लगता है एक समय के बाद कि बहुत सारी गाइड्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट सीखते हैं, तो सीखना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि वो पैटर्न लीनियर पैटर्न हो जाए, वो मल्टी डायमेंशनल ना हो, तो उनको समझ में आने लगता है कि ये एक तरह के पैटर्न को देखकर एग्जाम निकाल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके आईक्यू को और चेक करेंगे, आपके इंटेलिजेंस लेवल को और चेक करेंगे, आपका एक्सपोजर इंग्लिश का कितना है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए अगर पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है तो मनाइए कि ये अच्छी बात है। क्यों, अगर आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न कुछ भी हो आप स्कोर करेंगे, इनफैक्ट आप उनसे अच्छा स्कोर करेंगे जो फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाकर नहीं चल रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं सुपरफिशियली। डिड यू गेट द पॉइंट, तो आपने बात किस पर करनी है, व्हाट पे या व्हाई पे, व्हाई पे, क्योंकि व्हाई सब पैटर्न का आंसर है, व्हाट सिर्फ एक दो तीन या चार पैटर्न का आंसर है। डिड यू गेट द पॉइंट, होप यू अंडरस्टूड। या इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक मोर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।